नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं रजनी सिंह। यूपी में आज महाशपथ और इससे जुड़ी खबरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ कैबिनेट से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, ब्रजेश पाठक, जितिन प्रसाद। जी हां, लगातार जो है वो नाम सामने अब आने लगे हैं। ब्रजेश पाठक, जितिन प्रसाद के नाम सामने आए हैं, मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। गिरीश यादव, सतीश शर्मा मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। सुरेश खन्ना, भूपेश चौधरी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। बलदेव सिंह, संदीप सिंह मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह का नाम लगातार हम सुबह से बता रहे थे, वो भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, पहले भी मंत्री रह चुके हैं। अनूप वाल्मीकि, ब्रजेश सिंह मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। राजेश्वर सिंह का नाम लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, जेपी राठौर मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। असीम अरुण की बात भी हम लगातार कर रहे थे, क्योंकि वो एक दलित कोटे से हैं और मंत्री बनाए जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद शर्मा, इनका नाम भी आ रहा है कि ये मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। शाम को 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह है इकाना स्टेडियम में। बेबी रानी मौर्य, जी हाँ, ये लगभग तय माना जाता है, बेबी रानी मौर्य जो है वो शपथ ले सकती है, मंत्री उन्हें बनाया जा सकता है। इसमें संजय निषाद की बात है, निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, संजय निषाद मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। आशीष पटेल, जो कि अनुप्रिया पटेल के पति हैं, अपना दल एस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। ए के शर्मा मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तो आज यूपी के तो हर खबर अब तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आज यूपी के कार्यवाहक सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शाम को 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह है। योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की खबरें। कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने व्यक्तिगत रूप से अयोध्या, मथुरा, वाराणसी से 50 से अधिक साधु संतों को आमंत्रण दिया है। तो लखनऊ में भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा शाम को 4 बजे। उसकी तैयारियां काफी दिनों से चल रही थी लगातार, क्योंकि एक बड़ा आयोजन था और ये जो क्रिकेट स्टेडियम है खचाखच जो है मेहमानों से, लोगों से भरा हुआ नजर आएगा। धीरे धीरे करके जो लोग हैं वो पहुंचने भी शुरू हो गए हैं और लोगों को देखते हुए यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत दिसंबर 2021 में स्टेडियम से ही की थी। जी हाँ, इसी स्टेडियम से जहां पर वो आज शपथ लेने वाले हैं। 2021 से उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, जब उन्होंने आदर्श आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले एक भव्य कार्यक्रम में छात्रों को लैपटॉप और मोबाइल फोन वितरित किए थे। योगी आदित्यनाथ आज सीएम पद की शपथ लेंगे और उसी जगह से लेंगे जहां 2021 में उन्होंने एक भव्य आयोजन किया था और इसी मंच से कहा था कि अगर वो सत्ता में आते हैं दोबारा तो फिर 2 करोड़ जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, उन्हें टैबलेट और लैपटॉप दिए जाएंगे। और आज देखिए, आज शाम को 4 बजे योगी आदित्यनाथ दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। 12 राज्य के सीएम और 5 डिप्टी सीएम इसमें शामिल होंगे। बाबा रामदेव समेत कई राज्यों के संत भी इसमें मौजूद रहेंगे। लखनऊ के 30 चौराहे सजाए गए हैं शपथ समारोह के लिए। 2500 प्रवासी बुलाए गए हैं। जो कार्यकर्ता है उन्हें भी कह दिया गया है कि तैयारी से आए। आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शपथ दिलाएंगी। कल योगी आदित्यनाथ ने 273 विधायकों का जो समर्थन का पत्र है वो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को दिया था, यानी कि सरकार बनाने का दावा पेश किया था। और आज शाम को 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह है, जहां पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शपथ दिलवाएंगे तमाम मंत्रियों को। तो हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं लगातार, और जहां पर यह आयोजन हो रहा है वहां की तस्वीरें भी आप तक पहुंचाती रहेंगी। तो यूपी में आज महाशपथ है और सबकी नजरें हैं कि आखिर किसे मंत्री बनाया जा सकता है। तो आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं क्या क्या संभावना है, कौन कौन जो विधायक हैं वो मंत्री बन सकते हैं। सबसे पहले अदिति सिंह रायबरेली की सदर सीट से जीती, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की और यहां पर उन्हें जीत मिली है, तो मंत्री पद मिल सकता है। अनिल राजभर वाराणसी के शिवपुर से जीते हैं, योगी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, एक बार फिर से उम्मीद है कि मंत्री बनेंगे।
अपर्णा बिष्ट यादव मुलायम सिंह यादव की बहू चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गई, तो यादव वोट बैंक को समेटने और खुश करने की कोशिश होगी, उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। आशुतोष टंडन योगी सरकार में पहले मंत्री रह चुके हैं। असीम अरुण का नाम ज्यादा चर्चा में है, कन्नौज सदस्य जीते हैं, वो पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, उन्हें मंत्री बनने की संभावना जो है वो ज्यादा नजर आ रही है। ब्रजेश पाठक लखनऊ के कैंट से जीते हैं, योगी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। तो यूपी के संभावित मंत्रियों की लिस्ट इस वक्त इंडिया वॉइस पर आप देख रहे हैं। दयाशंकर सिंह बलिया की सदर सीट से जीते हैं, स्वाति सिंह पहले थी और अब दयानंद सिंह जो है वो मंत्री बनाए जाएंगे। जितेंद्र प्रसाद पहले भी वो मंत्री बने रहे हैं योगी सरकार में, एक बार फिर से मौका मिलेगा। मोहसिन रजा योगी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। तो यूपी के संभावित मंत्रियों की लिस्ट इस वक्त आप इंडिया वॉइस पर देख रहे हैं। नंद गोपाल नंदी इलाहाबाद दक्षिण से जीते हैं, योगी सरकार में पहले मंत्री रह चुके हैं। पंकज सिंह राजनाथ सिंह के बेटे हैं, नोएडा से लगातार उन्होंने एक अच्छी जीत हासिल की है, तो इस बार मंत्री बनने की ज्यादा संभावना है। राजेश्वर सिंह लखनऊ के सरोजनी नगर सीट से जीते हैं, ईडी के पूर्व अधिकारी हैं, स्वाति सिंह का टिकट काटकर मंत्री का उन्हें दिया गया और वो खड़े उतरे। रामपाल वर्मा बालामऊ से जीते हैं चुनाव, तो उनकी भी संभावना है मंत्री बनने की। संदीप सिंह अलीगढ़ के अतरौली से जीते हैं, कल्याण सिंह के पोते हैं। सतीश महाना कानपुर के महाराजपुर से जीते हैं, योगी सरकार में पहले मंत्री रह चुके हैं, बड़ी अहम जिम्मेदारी उन्होंने निभाई और इसके साथ ही स्वतंत्र सिंह जो कि प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में थे, एक बड़ी जिम्मेदारी थी उनके कंधों पर और उसी का ही नतीजा है कि दूसरी बार बीजेपी की सरकार। श्रीकांत शर्मा बड़ी जीत हुई मथुरा से और पहले भी ऊर्जा मंत्री रह चुके हैं, एक बार फिर से उन्हें मंत्री बनाया जाए। सिद्धार्थनाथ सिंह का नाम भी है, इलाहाबाद शहर पश्चिम से जीते हैं, योगी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। और सुरेश खन्ना पहले मंत्री रह चुके हैं, शाहजहांपुर से वो चुनाव जीते हैं। तो ये यूपी के संभावित मंत्री जो चेहरे हम आपको बता रहे हैं, इंडिया वॉइस के पास संभावित मंत्रियों की लिस्ट है। सुरप्रताप शाही देवरिया के पथरकदेव से जीते हैं, योगी सरकार में कृषि मंत्री रह चुके हैं। इधर बुलंदशहर कलेक्ट्रेट परिसर में योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह को दिखाने के लिए बड़ी एलईडी वॉल लगाया गया है। दोपहर 2 बजे से शपथ ग्रहण समारोह का लाइव प्रसारण यानी कि शुरू हो चुका है। योगी आदित्यनाथ शाम 4 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे, तो वहां पर जो एलईडी वॉल है वो लगाई गई है। कलेक्ट्रेट में लोग यहाँ पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम दोपहर से जब लाइव प्रसारण होगा तो देख सकते हैं, शाम 4 बजे योगी आदित्यनाथ शपथ लेंगे। ये देखिए तमाम तैयारियां की गई हैं, हर जगह पर जोश नजर आ रहा है और तैयारियां जोरदार तरीके से है राज्यों में अलग अलग जगहों पर। तो कलेक्ट्रेट में ये देखिए, हालांकि 2 बज चुके हैं, 2 बजे से लाइव प्रसारण था, लेकिन क्योंकि 4 बजे जब शपथ ग्रहण होगा उसके पहले ये शुरुआत हो जाएगी, यहाँ पर लोगों का जमावड़ा शुरू हो जाएगा और यहाँ से सीधा लोग देख सकते हैं शपथ ग्रहण समारोह। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि लखनऊ में ही उतना उत्साह है या फिर हर शहर में जो कार्यकर्ता हैं या फिर जो कलेक्ट्रेट में वहां पर जो समर्थन में है वो तमाम लोग तैयारी में है कि दूसरी बार प्रचंड बहुमत के बाद योगी आदित्यनाथ सीएम पद की शपथ लेंगे, तो लाइव देखना चाहते हैं। जिस तरीके से शो लोग देखते हैं, जितना क्रेज होता है उतना ही क्रेज इस शपथ ग्रहण समारोह का है। देश भर में इसकी चर्चा हो रही है और सूबे में इसको लेकर उत्साह नजर आ रहा है, तैयारियां जोरदार। तो तैयारियां चल रही हैं, न्योता सबको आया है और इस पर हम चर्चा भी करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, निशांत ठाकुर जी जो कि सपा के नेता है, बहुत बहुत स्वागत है निशांत जी आपका। थैंक यू रजनी जी। ये जो शपथ ग्रहण समारोह है, न्योता सबको आया है, मुलायम जी को भी है, नेता जी को भी है, अखिलेश जी को भी है, तमाम लोगों को है, तो अब जाना तो बनता है। बिल्कुल, अगर कोई लिखित पर गया है इनके पास, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी माननीय मुलायम सिंह यादव या अन्य किसी के भी पास अगर गया है और अपनी स्वयं इच्छा से अगर उनके मन मिलते हैं, विचार मिलते हैं, तो बिल्कुल इस भव्य स्वागत में, भव्य शपथ में जाना चाहिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी और माननीय मुलायम सिंह यादव जी को भी। और शायद मुझे ये सूचना है कि ये जाना भी चाहते हैं और जा भी रहे हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी का कन्फर्म है और अखिलेश यादव जी का अभी मुझे जानकारी इस तरीके की नहीं है, समाजवादी पार्टी ने प्रोटोकॉल के आधार पर अभी बताया नहीं है, समय आने दीजिए, हो सकता है वो जाएं।
यानी कि अभी देखिए अलग अलग मंचों पर निशाना साधते रहे हैं, लेकिन इस बार सपा बीजेपी अन्य तमाम लोग विपक्षी दल शपथ ग्रहण समारोह में एक साथ नजर आएंगे, ये तस्वीर नजर आएगी, उम्मीद आप भी लगाए बैठे हैं। देखिए जनता का जो निर्णय, समाजवादी पार्टी को जनता का जो संघर्ष के आधार पर जनता को विपक्ष, समाजवादी पार्टी को विपक्ष में रहकर दिया है, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या फिर कोई भी नेता माननीय योगी आदित्यनाथ हो या कोई भी नेता हो, शपथ समारोह में अगर बुलाया गया है, किसी के हर्ष उल्लास में अगर बुलाया गया है, तो उनको जाना चाहिए। ये मेरी निजी भी राय है और समाजवादी पार्टी की भी राय है, या सभी राजनीतिक पार्टियों की यही राय होती है कि अगर उनको बुलाया गया है तो उनको जरूर जाना चाहिए। चलिए ठीक है, हालांकि पहले जब उनसे सवाल किया गया था तो ये कह दिया था अखिलेश ने कि हमें न्योता भी नहीं आएगा, हम जाएंगे भी नहीं, लेकिन अब आप भी कह रहे हैं और न्योता आया है तो। हाँ। रजनी मैम जी, देखिए नोटा जब तक नहीं आया था मात्र मीडिया सूत्रों के हवाले से खबर दे रही थी, अभी भी लिखित जो है नोटा नहीं आया है, मौखिकली माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने फोन किया है, अगर उसको वो वैल्यूएशन अपना सहयोग मानते हैं तो उनकी खुशी में वो जरूर जाएंगे। वो इस आधार पर कह रहे थे कि अभी नोटा नहीं आया तो वो कैसे इस बात को कह दे कि मैं चला जाऊंगा, जब नोटा बिना बुलाए तो भगवान के घर भी नहीं जाना चाहिए, अगर योगी आदित्यनाथ जी ने मन से बुलाया है तो मन से राष्ट्रीय अध्यक्ष को जरूर जाना चाहिए, बिन बुलाए मेहमान नहीं बनना चाहिए, वो तो ठीक है, लेकिन अब चलिए ठीक है। अब दूसरा सवाल मेरा ये है निशान जी के, यादव परिवार से सम्मेलन समारोह में जाना, खुशी मनाना अलग चीज है, आप जाए ना जाए ये आपके ऊपर है, लेकिन अपर्णा यादव अब वो क्योंकि वहां पर शामिल हो गई हैं, बहू हैं वो यादव परिवार की, तो उम्मीद ये की जा रही है कि उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? दो एक सिक्के के दो पहलू के तरीके से मीडिया या अन्य जनता अगर नहीं देखे, अगर अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में थी तो उनको समाजवादी और परिवारवादी का आरोप लगाया जाता था। हम तो बधाई देना चाहते हैं माननीय अपर्णा यादव जी को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी कि वो गई तो समाजवादी की विचारधारा भी उनके साथ एक जुड़ी और जिसमें एक अहम आगे बढ़ते हुए जनता के हित में कार्य किया जाएगा, उनकी विचारधारा भी कहीं ना कहीं जनता तक जरूर पहुंचेगी, समाजवादी पार्टी की विचारधारा अपर्णा यादव जी के माध्यम से। तो यानी कि वो बीजेपी में है लेकिन विचारधारा समाजवादी पार्टी की, अगर वो मंत्री बनती है तो वो विचारधारा वहां पर पहुंचेगी, समाजवादी पार्टी की विचारधारा जनता के साथ है, जनता के साथ थी और जनता के पक्ष में ही रहेगी। लेकिन वो तो प्रभावित हो गई योगी आदित्यनाथ मोदी से, उनकी विचारधारा को इतना ज्यादा प्रभावित हुई कि देखिए यादव परिवार की बहू जो है एक बड़ा झटका देते हुए बीजेपी में शामिल हो गई और आज ये खबरें हैं कि वो मंत्री बन सकती हैं, उन्हें इसका जो है तोहफा दिया जा सकता है। मीडिया के माध्यम से दी गई जानकारी या रजनी मैम या इंडिया वॉइस या अन्य किसी चैनल के लिए अगर अपर्णा यादव जी को बनाया जाता है तो उनके लिए बहुत बहुत बधाई। वहां मैं फिर भी कहूंगा कि समाजवादी विचारधारा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ वो मिली है, उसका विस्तार करेंगी और जनता के हित के लिए अपर्णा यादव जी काम करेंगी, ऐसी उम्मीद और ऐसी आशा हम लोग करते हैं। चलिए, विपक्ष ने बहुत ज्यादा जो मुद्दा है कानून को बनाया कि कानून जो है उस मुद्दे में सरकार फेल रही है। आज बहुत अहम दिन है, शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसके बाद जो भी कानून मंत्री होगा वो बात अलग है, लेकिन आप मंत्रिमंडल को कैसे देखते हैं? जो सबसे बड़ा सूबा है अगर उसके मंत्रिमंडल को देखा जाए, महिलाओं को, युवाओं को जिस तरीके से उम्मीद की जा रही है, या फिर आपका जब था तो आप लोगों ने भी सोचा था हम युवाओं को ज्यादा तवज्जो देंगे, महिलाओं को ज्यादा तवज्जो देंगे। समाजवादी पार्टी वर्तमान पार्टी से आशा करती है कि लॉ एंड ऑर्डर कामयाब हो, लॉ एंड ऑर्डर पर जनता चले, गरीबों का साथ मिले, गरीबों को भोजन मिले, बेरोजगारों को रोजगार मिले, अशिक्षित को शिक्षा मिले, भर्तियां निकले, इसी के साथ जनता के हित में भारतीय जनता पार्टी कार्य करे और पुनः एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को बधाई कि जनता के तरीके से जनता के अनुसार सरकार को चलाएं। और पुलिस कमिश्नर का पद छोड़कर जब बीजेपी ज्वाइन की थी असीम अरुण ने तो बहुत निशाना साधा था, अब उनकी भी खबरें हैं कि उन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है, इस पर आपकी लोन वो अगर बहुत अच्छे तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को कामयाब करना चाहते हैं, अगर वो कामयाब करेंगे तो जनता के हित में काम करेंगे, अगर उनको दायित्व दिया जाएगा, समाजवादी पार्टी को संघर्ष करने के लिए जनता ने आश्रित किया है तो समाजवादी पार्टी क्रूर नीतियों पर उनका रोकथाम करने के लिए जनता के दरबार से सदन तक क्रूर नीतियों पर
प्रहार करती रहेगी, जनता के साथ रहेगी। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी को बधाई, लॉ एंड ऑर्डर कामयाब करे, उत्तर प्रदेश में कानून का राज हो। जिन अब मवासिया का आप नाम ले रही हैं वो इस कानून में रहे हैं, तो कानून के अनुसार जनता की हिफाजत करें, बेटियों की रक्षा करें। कोई कानून ऐसा ना हो, ऐसी कोई झगड़ा ना हो कि उत्तर प्रदेश की जनता परेशान हो जाए। और एक और नाम, ईडी के जो पूर्व अफसर है राजेश्वर सिंह, उनकी भी खबरें हैं सर। मैं सभी मंत्रियों को बधाई देना चाहूंगा समाजवादी पार्टी की तरफ से, इंडिया वॉइस चैनल की तरफ से, सभी चैनलों के माध्यम से, कि किसी भी तरीके से किसी को भी बनाइए, ये अहम नहीं रखता है कि क्या कौन सा नाम सामने आ रहा है, कोई नाम नहीं आ रहा है, लेकिन जनता के अनुसार उनकी नीतियां चले, जनता के आधार पर नीतियां काम करे, जनता के हित में काम करे, जनता खुश रहे, खुशहाल रहे। उन्होंने उनको सरकार में लाया है, अगर उनको लगता है कि हमें सरकार में लाया है और दायित्व लिया गया है, तो दायित्व को संभाल कर अच्छा तरीके से जनता के हित में कार्य करें। अच्छा, आज मंत्री जब कोई भी बने, हाँ। मंत्री कोई भी बनाया जाए, नाम इसमें एक एक नाम गिनवा नहीं सकेंगे, बहुत ज्यादा लगेगा, लेकिन प्रत्येक योगी मंत्रिमंडल, उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्रिमंडल से यही आग्रह है कि जनता के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार को चलाया जाए, वर्तमान सरकार को चलाया जाए। अच्छा, रही बात समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी सड़क से लगाकर सदन तक जनता के लिए समाजवादी नीतियों को कायम करेगी और समाजवादी नीतियों के दरबार तक एक एक लोगों तक पहुंचाएगी और क्रूर नीतियों पर प्रहार करेगी। अच्छा, तो आवाज कौन बनेगा, नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, ये बता दीजिए। ये बोर्ड मेंबर तय करेगा, समाजवादी पार्टी का बोर्ड मेंबर अखिलेश यादव बनेंगे, जनता तय करेगी। अखिलेश यादव शपथ ग्रहण समारोह है तो उसकी चर्चा तो हो ही रही है, लेकिन फिर पूरी जगह ये भी चर्चा है कि भाई नेता प्रतिपक्ष कौन, अखिलेश यादव बनेंगे क्या, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। क्योंकि देखिए, समाजवादी पार्टी कोई निजी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, आप स्वयं सब लोग जानते हैं, सभी चैनल जानते हैं, इतने बड़े राष्ट्रीय नेता है, जिले राज्य के नेता है, मुख्यमंत्री है, विकास पुरुष है, उनको जैसा पार्टी निर्णय करेगी, पार्टी जो आदेश करेगी उसके आधार पर नेता प्रतिपक्ष का वो किसको प्रभार सौंपेंगे, वो अभी मीटिंग में 26 तारीख में हम लोगों ने विधायकों की मीटिंग बुलाई है, 26 में क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो जो नेता प्रतिपक्ष होगा ज्यादातर संभावना तो अखिलेश यादव की। सर, मेरा सवाल ये है कि किसानों की आवाज आप लोगों ने बुलंद की, और आज देखिए आप लोग को शायद ये लग रहा था कि किसान बहुत बड़ा मुद्दा है और इसलिए आप लोगों ने आवाज उठाई, आरएलडी के साथ गठबंधन भी किया, लेकिन कोई खास फायदा आप लोगों को तो मिला नहीं है। लेकिन हाँ, सूर्यप्रताप शाही जो कृषि मंत्री रहे पहले, एक बार फिर से उन्हें मौका मिल रहा है, जनता ने इस बात पर मोहर लगा दी है कि किसानों के लिए सरकार ने काम किया है, इसीलिए दोबारा मौका मिल रहा है सरकार को भी और उन मंत्रियों को भी। मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से बधाई देना चाहता हूँ, 3.5 गुना वोट बढ़ा है, विधायक बढ़े हैं, इन्होंने दिखा दिया है कि क्रूर नीतियों का अगर कोई रक्त रोक सकता है तो वो समाजवादी पार्टी रोक सकती है। और लखीमपुर खीरी में भी देखा, तमाम जितने भी विधानसभा क्षेत्र थे तमाम सीटों पर बीजेपी जीती है, जबकि आप लोग उसी को सबसे ज्यादा मुद्दा बना रहे थे। और आज आप देखिएगा भी जो शपथ ग्रहण समारोह भव्य हो रहा है उसमें कई ऐसे चेहरे होंगे वहां के भी जो मंत्री बनाए जाएंगे। भव्य चेहरों के लिए बधाई, मैं बस इतना ही कहूंगा समाजवादी पार्टी की तरफ से कि सरकार झूठ ना बोले, झूठ के आधार पर सरकार ना चलाए। जैसे बेटियों के साथ पहले अत्याचार हुआ, अगर पुरानी बातों को ना उठाया जाए मैम तो जो ज्यादा अच्छा रहेगा। किसानों के ऊपर रौंदी गई गाड़ी हो, या बेटियों को ना न्याय पे आना हो, या थाने में इंस्पेक्टरों को मार दिया हो, सब चीजों को दरकिनार किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार नए तरीके से आई है, जनता ने उनको आदेश किया है, जनता के बातों को ध्यान में रखकर जनता के अनुसार भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी जी के नेतृत्व में काम करे और जनता के हित में काम करे। अच्छा, इस बार के चुनाव में निशान जी बहुत चर्चा हुई परिवारवाद की, हर मन से निशाना साधा गया। अब खबरें ये है कि जो नेता हैं उनके पुत्र बेटे बेटी भी शपथ ग्रहण करेंगे, कई नाम है, आपने भी सुने होंगे निशान जी, कई नाम ऐसे। आज ये मौका नहीं है कि नाम गिनवाने का, क्योंकि बधाई है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि हजारों नहीं तो आपको लगता है ना कि जो परफॉर्म करेगा सैकड़ों की लिस्ट में मैं आपको नाम गिनवा दूं, राजनाथ सिंह से लगाकर पंकज सिंह से नाम लगाकर, बहुत सारे देश की राजनीति में ऐसे हैं जो परिवारवाद से जुड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है
कि परिवार वाला व्यक्ति नहीं जुड़ सकता, अगर उसमें जनता उसको पसंद करती है तो जरूर जुड़ना चाहिए। ये बात भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी की नहीं होनी चाहिए। जो भी व्यक्ति है अगर उसको जनता पसंद कर रही है और उसके जनता से विचार मिल रहे हैं, वो व्यक्ति कोई भी हो, तो उसको जरूर जुड़ना चाहिए। राजनीति करना युवाओं का एक प्राथमिक और प्रथम स्थान जरूर होना चाहिए। युवाओं की भागीदारी राजनीति में होनी जरूर चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। निशान जी, जी आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल। चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं, उनसे भी हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि पत्रकार बहुत प्रभात त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए। प्रभात जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। शपथ ग्रहण समारोह लंबे वक्त से इंतजार चल रहा था, वो घड़ी आ गई है। आज के मंत्रिमंडल के बारे में सर, मैं सबसे पहले तो डिप्टी सीएम से शुरुआत करना चाहूंगी, क्या उम्मीदें हैं और किन बातों का ध्यान रखा जाएगा इन दो चेहरों को चुनने के लिए? नहीं नहीं, देखिए मैं अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम इकाना स्टेडियम में मौजूद हूँ और यहाँ पे लोकगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी मनोज तिवारी जी ने जो है गाया अपना एक भजन सुनाया है और अभी धीरे धीरे जो है यहाँ सभा में लोग जुट रहे हैं, क्योंकि धूप ज्यादा है और बहुत गर्मी है। ऐसी स्थिति में जहाँ छाई है वहाँ लोग हजारों की संख्या में बैठ चुके हैं, अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं और अब 2 घंटे का समय शेष रह गया है। ऐसी स्थिति में देखिए सबसे बड़ी जो अभी तक असमंजस की स्थिति रही थी कि मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा कौन शामिल नहीं होगा, ये बड़ा चौंकाने वाली बात है कि कई मंत्री जो है जैसे सिद्धार्थनाथ सिंह हैं, मोहसिन रजा हैं, ये लोग ड्रॉप कर दिए गए हैं। सतीश महाना को उत्तर प्रदेश का नया विधानसभा स्पीकर बनाया जा सकता है। तो ये 4-5 मंत्री जो जिनके ऊपर पिछले बार आरोप लगे थे और उनका विभाग बदला गया था, उनको ड्रॉप किया जा रहा है, लेकिन सतीश महाना को बुलाया गया और अचानक बताया गया कि आपको जो है, क्योंकि सुरेश खन्ना दावेदारी में थे विधानसभा अध्यक्ष की, सुरेश खन्ना को मंत्री बनाया जा रहा है क्योंकि वो संसदीय कार्य मंत्री का उनको ज्यादा अनुभव है। ऐसी स्थिति में होगी कि साथ संसदीय कार्य मंत्री के रूप में सुरेश खन्ना बैठेंगे और अब लगभग पूरी स्थिति साफ हो गई है। 51 मंत्री लगभग बनाए जा रहे हैं, कुछ मंत्री अभी भी नए विधायक जो जीत के आए थे वो इस उम्मीद में है कि शायद उनके पास बुला लिया जाए अंतिम क्षणों में, लेकिन अब पूरी तस्वीर साफ हो गई है कि जो योगी 2 का मंत्रिमंडल बन रहा है उसमें हर जाति के आधार पे, हर क्षेत्र के आधार पे एक समन्वय स्थापित करके 2024 को देखते हुए निश्चित तौर पे एक मंत्रिमंडल का एक विस्तार होने जा रहा है। तो ये 2022 का शपथ ग्रहण समारोह, 2024 की तैयारी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात त्रिपाठी जी, निशान जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो यूपी में आज महाशपथ है और इससे जुड़ी हर खबर आपको लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ, खबरें जारी रहेंगी आगे।